हवा पानी से जीवन चलता है, लेकिन अगर यही हवा जहर बन जाए तो क्या हो। हम रोजाना हर सांस के साथ जहर अंदर लेते हैं और इस जहर का असर धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करता जाता है। हमारे देश के शहर गैस चेंबर्स में तब्दील होते जा रहे हैं, जहां धीरे धीरे हमारा दम घुट रहा है और हमें इसका एहसास तक नहीं है। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारतीय शहर ही हैं। सोचिए, क्या आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के ग्राफ के साथ साथ हमारे शहरों में प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ रहा है? क्या यह हमारी मजबूरी है? क्या इस जहर को पीने के अलावा कोई चारा नहीं है? क्या हम अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य स्वस्थ और प्रदूषण रहित बना सकते हैं? इन्हीं मुद्दों पर आज हम रोशनी डालेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और फिलिप्स एनडीटीवी ब्रीथ क्लीन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आखिर कितना बड़ा है ये वायु प्रदूषण का संकट। हमारे आसपास की हवा जहरीली होती है। दुनिया के 178 वायु प्रदूषित देशों में 174वां स्थान भारत का है। भारत के 141 शहरों में सूक्ष्म कण सह मानकों से 6 गुना ज्यादा है। सिर्फ पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश में ही भारत से ज्यादा वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण से होने वाली सांस संबंधी बीमारियां अकाल मौतों का कारण है। भारत में सालाना 13 लाख लोग घर के भीतर के प्रदूषण के कारण दम तोड़ देते हैं। इनमें से 80% मौतों को रोका जा सकता है। अब वक्त है कि हम बदलाव लेकर आएं। अब वक्त साफ हवा में सांस लेने का है। आधुनिक जीवन शैली के चलते प्रदूषण सिर्फ शहरों की आबो हवा में नहीं, हमारे घरों में भी घुस चुका है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर इन सारी मुश्किलों का हल है क्या? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ कमल मित्तल साहब हैं, जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। अनुमिता रॉय चौधरी हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी फ्रॉम सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट। डॉक्टर विवेक नांगिया हैं, जो कि एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस अस्पताल में। और जयदर गुप्ता साहब हैं, जो कि फाउंडर हैं वोग मास्क के। आप सबका शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो शुरुआत, हम सबसे पहला मुद्दा जो है वो ये है कि क्या वाकई में भारत के शहर गैस चेंबर्स बन गए हैं, इससे करना चाहेंगे। तो मित्तल साहब, अगर आपसे शुरुआत करें, आपको क्या लगता है, क्या ये जो शहर हैं उनमें सांस लेना एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए, सिटीजन के लिए दूभर हो गया? बिल्कुल, दिल्ली शहर और दिल्ली NCR बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है दिवाली से होली तक। और यहाँ पर दो प्रॉब्लम हैं, PM2.5 लेवल्स और ओजोन। ये दोनों चीज़ें, दोनों पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और ओजोन जो है ये नॉक्स से बनती है, जो डीजल से आती है, और PM2.5 भी डीजल में मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा उसमें ही है, क्योंकि हमारा जो डीजल का क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। और हिंदुस्तान की कंपनीज, एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, जो ये सप्लाई कर सकती हैं, पर ये समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, कोशिश नहीं की जा रही है, क्यों नहीं कोशिश की गई है जी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो PUCs हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक्स, वो ठीक तरह से नहीं होते हैं, वो सेंट्रलाइज होने चाहिए। और जो व्हीकल जो मीट नहीं करती है PUC का चेक, वो रोड पे नहीं होनी चाहिए। अनुमिता, आपके सेंटर ने बहुत सी ऐसी स्टडीज की हैं, तो आपके सामने तो जिसे कहते हैं स्टार्टलिंग फैक्ट्स होंगे, जो असली चेहरा हमारे शहरों का हमारे सामने रखता है। देखिए, हम अभी दिल्ली शहर में बैठे हैं और यहाँ पे हर घंटा एक मौत होती है एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं उनके कारण। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के जो नए आंकड़े हमारे सामने हैं, वो बताता है कि आज एयर पोल्यूशन हमारे देश में, जिसे वो कहते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट किलर है, 6 लाख से भी ज़्यादा मौत होती है। और इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूषित हो चुका है हमारा शहर। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े देखते हैं, तो वो बताता है कि 50% से भी ज़्यादा शहर इस देश में, उसमें जो ये छोटे कण पार्टिकल्स के जो लेवल्स हैं, उनकी मात्रा क्रिटिकल लेवल तक पहुँच चुकी है।
तो इससे आज शहरीकरण हो रहा है इतने जोर से, इतनी तेजी से हमारे शहर में। पर शहर में रहने वाले लोग अगर इतने जहरीले सांस हर वक्त अगर वो ले रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक जन सेहत का मुद्दा हमारे सामने है। जो दिल्ली में जो नए स्टडीज आए हैं वो दिखाता है कि एवरी थर्ड चाइल्ड उनकी लंग्स इम्पेयर्ड हो चुकी हैं। तो आप समझिए कि जो आने वाला जो जेनरेशन है, हमने तो उनकी जो हेल्थ है वो तो हम कॉम्प्रोमाइज कर ही चुके हैं। हेल्थ पे तो हम जरूर चर्चा करेंगे और उसमें डॉक्टर साहब को भी लेंगे, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो हमारे अपने देश के ही आंकड़े कहते हैं कि करीब 252 शहर जो हैं वो क्रिटिकली पोल्यूटेड लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं। अब ये क्रिटिकली पोल्यूटेड लेवल का मतलब क्या हुआ और क्या ये छोटे शहर भी क्या इतना प्रदूषण पैदा कर रहे हैं? तो अब क्रिटिकल का लेवल हुआ कि जब मानक बनाए जाते हैं वायु प्रदूषण के लिए, तब लेवल जब 1.5 टाइम्स जब एक्सीड कर जाता है उसको हम क्रिटिकल कहते हैं। पर अगर आप रियल वैल्यू को देखें तो आपको तो 4 गुना 6 गुना ज़्यादा नज़र आएगा। और एक बहुत बड़ी बात, आज हमारे शहर में एक समय था हम सोचते थे कि शायद सिर्फ बड़े शहर वही प्रदूषित हैं, पर आज जब अगर आप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे इंडिया में, तो वहाँ पे छोटे शहर ज़्यादा नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ मित्तल साहब, क्या इस क्रिटिकल लेवल को क्रॉस करने के बाद ये इरिवर्सिबल तो नहीं हो जाएगा, या हम वाकई में इस पे एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं और वापस आ सकते हैं? अगर इच्छा हो कि करना है और सब मिलजुल के करें तो हो सकता है। हमारी दो पॉलिसीज हैं, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत। मेक इन इंडिया, हम लोग चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पर और यहाँ पर पदार्थ बने और एक्सपोर्ट हों। इन्वेस्टमेंट आने में भी दिक्कत होगी तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम सफ़र करेगा। दूसरा पॉइंट है स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत जो है, इट शुड इंक्लूड स्वच्छ हवा, क्योंकि हम 2 लीटर पानी पीते हैं पर 8,000-12,000 लीटर हवा सूंघते हैं या इनहेल करते हैं, तो उसके बारे में हम नहीं सोचते। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्यों नहीं सोचते हम? क्या हमें पता ही नहीं है कि इसका नुकसान होता है? क्या होता है एक्चुअली, जो एयर पोल्यूशन होती है उसका पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है। इट हैज टू बी लेस देन 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन से भी कम हो जो अंदर जाके डैमेज करता है लंग्स को। सो हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है कि वो एयर जो है पोल्यूटेड है जो हम ब्रीद कर रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं क्या सब कुछ हमारे अराउंड अच्छा है, पर ऐसा है नहीं एक्चुअली। सो इंसान के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ हवा की प्रदूषण का, वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। इनफैक्ट बच्चा पैदा होने के इमीडिएटली बाद ही देखा गया है, जो न्योनेटल पीरियड जिसको हम कहते हैं, उस टाइम पे डेथ रेट हाई काफी हद तक पोल्यूशन की वजह से मानते हैं। फिर लंग्स के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चे ग्रो करते जाते हैं, एलर्जीज, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, जुकाम बार बार रहता है इन लोग को। इनके अलावा भी, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे लंग्स के अंदर जाकर एक काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को ट्रिगर ऑफ कर देते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हार्ट डिजीजेस, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड कैंसर, ये सभी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। यहाँ कुछ WHO के आंकड़े हैं जो कहते हैं कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज से मौतों का रेट है। क्या ये सच है? क्या वाकई में हमारे देश में इतने लोग रेस्पिरेटरी डिजीज? हाँ बिल्कुल, और हम लोग जो देखने को मिल रहा है आजकल हमें कि साल बर साल वो नंबर सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, पर ऑल्सो ये जो जितनी बीमारियां हैं ये लोग ज्यादा टाइम तक चल रही है, कंट्रोल करने में काफी टाइम लग रहा है। हम जब शहरों में रहते हैं, क्या हम पे इसका ज्यादा असर पड़ रहा है, या ये जो इस तरह के मामले हैं आपके पास गाँव से भी आते हैं? गाँव और शहर में मेरा ख्याल फर्क यह है कि 2 डिफरेंट कारण हैं वहाँ पे। शहर में ज्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से है, और गाँव में या जो पुअर अर्बन होम्स हैं उनका चूल्हा और स्टोव यूज करने की वजह से है। प्रॉब्लम दोनों की सिमिलर ही है जी, बट कारण दोनों के डिफरेंट है। जयदेव साहब, यहाँ आपसे सवाल लेना चाहूंगी, ऐसी स्थिति में जब पोल्यूशन आपके चारों तरफ हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या असर पड़ रहे हैं और किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए ऐसा है, पहले तो ये है कि ये जो वायु प्रदूषण है ये एक इनविजिबल किलर है। क्योंकि ये इनविजिबल है, हमें दिखता नहीं है, एक फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट है कि हम जी रहे हैं, दिल्ली में जी रहे हैं या जहाँ जिस भी शहर में हैं आप भारत में, कि हम यहाँ जी रहे हैं और जीते रहेंगे, ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा, एक फॉल्स सेंस ऑफ कम्फर्ट है। मैं भी उसी फॉल्स सेंस ऑफ कम्फर्ट में रह रहा था और
मेरी लंग्स मतलब इतनी डैमेज हो गई और 10-11 महीने आई हैव सफर्ड सो मच कि मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये वातावरण में प्रॉब्लम था. और उसी टाइम पिछले 5-6 महीने से इतना इन्फॉर्मेशन है जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट या मीडिया से उठ रहा है, तो अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, डेटा है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस में अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी जगह अब हैं कि हमें वो मॉनिटरिंग के डेटा को देख के अपना दिन प्लान करना पड़ेगा कि हम बाहर जाएं या ना जाएं. मुश्किल स्थिति आ गई है. तो जाहिर तौर पर अब जैसा कि उन्होंने कहा कि ये भी सोचना पड़ेगा कि बाहर जाएं या ना जाएं, अगर ये स्थिति आ गई है तो आखिर करना क्या है, क्या कदम उठाने हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद. आपका स्वागत है. हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शहरों का बढ़ता प्रदूषण किस तरह से असर डाल रहा है हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, और कैसे इस असर को हम कम कर सकते हैं. तो मित्तल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, क्या हम अपने आसपास भी इस प्रदूषण को अपने घर के अंदर भी न्योता दे चुके, या सिर्फ ये शहरों में है जब हम बाहर कदम रखते हैं? नॉर्मली इंडोर एयर पोल्यूशन 5-10 गुना ज्यादा होता है इंडोर रादर देन आउटडोर. पर हम क्या कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. क्या हम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो गागल करना चाहिए नमक के पानी से सुबह शाम या 3 दफ़े रोज. काफ़ी पानी पीना चाहिए जैसे कि आपका सिस्टम मॉइस्ट हो और नॉस्ट्रल्स जो हों वो मॉइस्ट हों, जैसे कि पोल्यूशन थोड़ा कम अंदर लंग्स में जाए. जो भी आप सफाई करें उसको वैक्यूम क्लीनर से करें जैसे कि डस्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं चली जाए. तो डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, क्या हमारी जिंदगी में हम लोग ये जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं हमें पता नहीं है वो हम पे असर डाल रहे हैं? काफी हद तक जितने ये स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं, इन सबके स्मेल से ही कई बार लोगों को एस्थमेटिक एपिसोड्स ट्रिगर ऑफ हो जाते हैं. काफी लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनको जुकाम नजला बार बार क्यों रह रहा है. एंड इट्स ओनली जब आप उनसे डिस्कस करना शुरू करते हैं तब पता लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल है उनके अराउंड, जिसकी वजह से वो जैसे ही लगाते हैं वो ट्रिगर ऑफ हो जाता है. बट वो लोग हमेशा उसको कोरिलेट करते हैं कि साइनसाइटिस हमें शुरू से ही था, इसमें क्या नई चीज है. इंडोर पोल्यूशन का कितना असर बच्चों पर पड़ता है खासतौर पर? हम हवा की बात कर रहे हैं, जो बाहर है वही अंदर है. उसके अलावा भी अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम फ्रेशनर्स भी स्प्रे करते हैं, जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं अपने कपड़े धोने के लिए, जो हम केमिकल्स यूज करते हैं अपने घर का पोछा या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर हमें सूंघ आ रही है वो हमारे सेहत के लिए ख़राब है, वो हमारे जो एयर पैसेजेस हैं उनको छोटा करता है. मतलब अपने घर में आप मोस्ट एट रिस्क हैं. जाते जाते आप सबसे मैं कुछ पॉजिटिव जो हम कर सकते हैं, हम एज इंडिविजुअल्स और हमारी सरकार क्या कर सकती है, मित्तल साहब आपसे शुरुआत करते हैं. मैं रिसर्च करी और उससे पता लगा कि 3 प्लांट्स हैं जिससे आप हवा सफा कर सकते हैं. एक प्लांट है अरिका पाम जो दिन में CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और VOCs को भी कुछ कुछ रिड्यूस करता है. फिर मदन लॉस टंग है एक और प्लांट जो कि रात में अंधेरे में CO2 को कन्वर्ट करती है ऑक्सीजन में, तो वो बेडरूम प्लांट है. तीसरा मनी प्लांट है जो कि पानी में ग्लास में डाल दो तो हो जाता है, और अगर आप वो अपने घर में 50, 100, 200 जितने भी लगा सकते हैं लगा दीजिए, झुग्गी झोपड़ी में भी लगा दीजिए जितने लग सकते हैं, तो वो VOCs को हटाता है. सो PM2.5 और ओजोन दोनों एक्सरे की तरह से हैं जो आप देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और आपको इफेक्ट करी जा रही है वो, और आप बीमार होते जा रहे हैं. और नेक्स्ट 5-10 साल में अगर यही हालत हुई तो सब लोगों को TB या कैंसर या COPD या कोई ना कोई और नई बीमारी शुरू हो जाएगी. इससे बचने के लिए हम तो कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार क्या कोशिश कर सकती है, आप क्या मानती हैं? देखिए काफी कुछ, और सरकार को हम यही कहेंगे कि जितना जल्द हो सके अपनी जो एक्शन प्लान है उसको वो इंप्लीमेंट करें. अब एक्शन प्लान की जब बात आती है तब हम यही कहेंगे कि जो प्लान में इतना शक्ति होना चाहिए ताकि जो मानक बनाए गए हैं वायु के लिए, जो क्लीन एयर के लिए, उसको हम एटलीस्ट 5 साल तक हम मीट कर पाए. अब वो करने के लिए काफ़ी कुछ हमें करना होगा. एक है कि जब नेशनल गवर्नमेंट के लेवल पे हम बात करते हैं वहाँ पे गाड़ियों के लिए जो मानक बनाए गए हैं
उनको हमें यूरो 6 तक बहुत जल्द हमें लाना होगा। जो लोग आज जो एक निजी गाड़ियों के ऊपर जो निर्भरता बन रही है उसको आपको कम करना होगा, लोगों को अपने गाड़ियों से निकाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाना होगा। ये सारे लेवल्स में हमें बहुत सख्ती से हमें काम करना होगा। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस कि प्रदूषण वाकई में हम पे नुकसान पहुंचा रहा है, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? बेसिकली हम लोग कैंपेन ही कर सकते हैं ताकि लोगों को रियलाइजेशन हो कि ये सारा प्रॉब्लम जो है प्रदूषण की वजह से ही हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिर्फ अपने मरीजों को ये एडवाइस देते हैं कि आप जिस दिन प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा हाई है उस दिन बाहर ना निकलें, अगर निकलना भी है तो मास्क पहन के निकलें, उसके बाद अपने इनहेलर्स एंड अपने नेजल स्प्रेज को हमेशा अपने साथ रखें, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो को इमीडिएटली इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अंदर घरों के अंदर प्रदूषण से बचने के लिए भी हमें कुछ मेजर्स हैं जो सबको समझाने चाहिए, जो बहुत ही सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि सबसे पहले तो घरों की विंडोज या एग्जॉस्ट फैंस होने चाहिए, विंडोज बड़ी हों या एग्जॉस्ट फैंस हों ताकि हवा का एक सर्कुलेशन बना रहे अंदर, क्लोज्ड ना रहे सारा। दूसरा, भारी कारपेट, भारी फर्निशिंग्स, भारी फर्नीचर्स, भारी कर्टन्स, ये सब नहीं होने चाहिए, थिन होने चाहिए ताकि उनके अंदर डस्ट ना ट्रैप होके रहे। एंड ऑफ कोर्स अब जहां घरों में अफोर्ड कर सकते हैं वहां एयर प्योरीफायर्स का लगना भी लोगों ने काफी फायदा पाया है उनसे भी। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से यही कहूंगा कि मैं भी सोचता था कि मैं बिल्कुल, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं 10 किलोमीटर मेरा पसीना बहाए भाग सकता हूं तो मैं तो बहुत अच्छी सेहत में हूं, और मेरी सेहत इतनी खराब हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है, आपको हर किसी को ये इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो मेरे जैसा मर्द हो या कोई सीनियर सिटीजन हो, हर किसी को इफेक्ट कर रहा है। और आपको इसके लिए अपने घर में तो बचाव करना ही पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट के सॉल्यूशंस हैं उसको टाइम लगेगा, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो प्योरीफायर हो, प्लांट्स हो, ये आपको बचाव तो घर में करना ही पड़ेगा। मित्र साहब, कौन सी एक आदत आप कहेंगे जो शहरी लोगों की है जो सबसे ज्यादा हमको खुद को नुकसान पहुंचाती है? पहले तो जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीना बंद करें, और दूसरा कि समझें कि क्या क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। जागरूकता की जरूरत है, और जरूरत है कि उस जागरूकता के बाद अपने हक को मांगने की। अरुमिता, आप क्या मानती है, क्या बदलाव हम ला सकते हैं अपने अंदर जो आगे का रास्ता दिखाएगा? इस सोच को हमें चेंज करना होगा, और ये सिर्फ हमारे अपने लेवल पे ही नहीं, हमारे पॉलिसी लेवल पर भी। अगर पॉलिसीज पे जो बन रहे हैं आज, हम गलत चीजों को हम प्रिविलेज दे रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि हम कदम उठाएं, एकजुट होकर सरकार से मांग करें और खुद को भी जिम्मेदार माने, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में हम हर सांस की कीमत चुकाने लगे। तो चलिए, हमारे कैंपेन के साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम ला रहे हैं वायु प्रदूषण पर खास कवरेज। हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़े और हमारी वेबसाइट पर जाएं और जानकारी लें ताकि आप हेल्दी रह सके। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।